तो आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको फेसबुक पर एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके का दिक्कत आता है, प्रॉब्लम लिखा आता है, वे डोंट रिकॉग्नाइज यूअर डिवाइस, ठीक है, वे कांट मैच द डिवाइस यू आर यूजिंग, इस तरीके से लिखा आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जानेंगे, उससे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसके अलावा सॉल्यूशन काफ़ी इजी और प्रॉब्लम भी ये जो है नॉर्मल तो नहीं है, बट है, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं सॉल्व। तो मतलब क्या आता है इसका, सबसे पहले तो मतलब ये समझते हैं कि इसका मतलब निकल कर ये आता है, जहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट जो है आप दूसरे किसी डिवाइस फ़ोन में यूज़ कर रहे करोगे, तो उस केस में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नॉर्मल से आती है। अगर आप अपना जो है अकाउंट दूसरे के फ़ोन में या फिर जिसमें नॉर्मल आप यूज़ नहीं करते उसमें एक तो आ सकता है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक वगैरह कर लिया एंड उसने अगर आपको पासवर्ड डिवाइस वगैरह चेंज कर दिया है तो भी आपको आ सकती है। सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, अगर आपके पास मतलब उस जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है उसका नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपके उसके एक साथ कनेक्ट है, तो नॉर्मल आपको करना यही है कि फेसबुक पर वापस आना है, यहाँ पर गो टू फेसबुक लिखना है, मतलब वहाँ पर जब आपको एरर आता है तो आपको फेसबुक पर वापस आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है फॉरगॉटन पासवर्ड का, ठीक है, नॉर्मल से आपको फॉरगॉटन पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको फॉरगेटिंग पासवर्ड वाले पेज पर आकर जो है यहाँ पर आपको जो भी फ़ोन नंबर आपने अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड किया था वो यहाँ पर डाल देना है और आपको अपना अकाउंट फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि जैसे आपका अकाउंट फाइंड हो जाता है आपको जो है यहाँ पर OTP मंगवा लेनी है, वेरिफिकेशन कोड मंगवाना है, आपके नंबर पर वो डाल देना है एंड जैसे आप डालोगे आपको नया पासवर्ड डालने को मिल जाएगा, ठीक है। नया पासवर्ड डालने के बाद जो है आप अपने अकाउंट में जाकर सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास फ़ोन नंबर नहीं सिर्फ ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर नीचे ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना ईमेल डालिए, फाइंड अकाउंट कीजिए, आपका अकाउंट आने के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा उसके ऊपर आप जो है डाल दीजिएगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत ये है कि उनके पास फ़ोन नंबर भी नहीं, ईमेल एड्रेस भी नहीं, सिर्फ पासवर्ड है जो कि पुराना हो चुका है या फिर वो डालने के बाद इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, सिर्फ अगर आपके पास पासवर्ड है तो उससे काम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास दोनों में से एक चीज़ जो है होना अनिवार्य है या फिर होनी ही चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ पासवर्ड है तो उससे कुछ भी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा।